गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आप लोग सब कैसे हो? तो थंबनेल देख के आप लोगों को पता लग ही गया होगा कि आज मैं क्या बनाने वाला हूँ। आज मैं मैगी बनाने वाला हूँ, वो भी अलग तरीके से। तो देखिए, इधर मैं बीन्स काट लिया हूँ, धनिया पत्ता काट लिया हूँ, प्याज काट लिया हूँ और टमाटर और मिर्ची में काट लिया हूँ। तो ये हमारा मैगी का पैकेट। तो मैं इधर 4 पैकेट लेने वाला हूँ मैगी, ठीक है? तो चलो शुरू करते हैं। तो मैं इधर इंडक्शन में पानी गर्म करने के लिए डाल दिया। तो देखो, पानी अभी उबल गया है। तो मैं इधर अभी डाल दूँगा मैगी इसमें, क्योंकि पहले मैं बता चुका हूँ मैं थोड़ा अलग टाइप से आज मैगी बनाने वाला हूँ। इसको मैं पहले उबाल लूँगा, बॉयल कर लूँगा, इसका पानी में छान लूँगा। थोड़ा सा मैं सूखा बनाने वाला हूँ मैगी। तो ये मैं अभी डाल दिया हूँ, तो इसको हम थोड़ी देर के लिए रख देते हैं। और ये देखिए, तो ये उबल गया है। तो अभी हम इसमें थोड़ा सा सरसों का तेल डाल देंगे ताकि एक दूसरे से ना लग जाए। और ये हम पानी इससे छान लिए हैं। अभी हम बनाने वाले हैं सब्जी को, हम थोड़ा फ्राई कर लेंगे अभी टमाटर प्याज सभी को। तेल डाल दिया हमने, तो तेल गर्म हो गया। अभी इसमें हम बीन्स पहले डालेंगे, क्योंकि बीन्स पकने में टाइम लगता है। थोड़ा हिला लेते हैं इसको। और अभी हम प्याज डाल देंगे, क्योंकि बीन्स थोड़ा सा पक गया है। तो प्याज को हम अच्छी तरह से हिला लेंगे, थोड़ा सा पकने का वेट करेंगे। तो प्याज हमारा इधर पकने लगा है। प्याज हमारा इधर पक गया, तो हम अभी कटा हुआ टमाटर और मिर्ची को एक साथ डाल देंगे और इसको अच्छी तरह से थोड़ा सा पकाएंगे। तो आप लोग दोस्तों कमेंट करके बताना मैगी किस किस को खाना अच्छा लगता है। तो अभी हम इसमें डाल देंगे थोड़ा सा पानी, ताकि ये थोड़ा उबल जाए। और अभी हम डाल देंगे इसमें नमक। और अभी हम इसमें थोड़ा डाल देते हैं हल्दी पाउडर। थोड़ा हिला लेते हैं। और अभी हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा मैगी मसाला। तो 4 पैकेट मैगी मसाला, तो 1 पैकेट हमने इधर डाल दिया और 3 पैकेट हम बाद में डालेंगे मैगी डालने के बाद। तो मसाला को अच्छे से हम हिला लेते हैं। और थोड़ा सा हरी धनिया हम इसमें दे देंगे, ताकि थोड़ा टेस्ट अच्छा लगे। और बाकी बाद में देंगे। तो चलो, अभी हम इसमें मैगी डाल देते हैं। देखिए मैगी कितना अच्छा बॉयल हुआ है और एक दूसरे से भी नहीं लग गए। तो अभी हम मैगी मसाला दे देंगे इसमें। दूसरा पैकेट भी डाल देते हैं और एक हम देंगे बाद में। तो अभी इसको हम अच्छी तरह से हिला लेंगे। तो दोस्तों, आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइए कि इस तरह से आप लोग मैगी कभी बनाए हो कि नहीं घर पे। और अगर नहीं बनाए हो तो ज़रूर ट्राई करना। तो देखो, मैगी हमारा बन के रेडी हो चुका है, क्योंकि मैं पहले ही बता चुका था मैं सूखा मैगी बना रहा हूँ। आप लोग कमेंट करके बताइए कि मैगी आप लोगों को कैसा लगता है। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, एंड चैनल में नए हो तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। चलो, मिलते हैं नेक्स्ट कोई वीडियो में। तो सभी अच्छे रहें।